सिंपलिक्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का प्रेस कर ले, आज नए वीडियो के साथ नए अंदाज के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं यार, सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप लोग एक सब्सक्राइबर से मुझे मोटिवेशन मिलता है, इतना मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं। चलिए आज के देखते हैं क्वेश्चन। आज है एलजेब्रा क्वेश्चन है, आज वैल्यू फुटिंग कर रहा है। देख लीजिए क्वेश्चन कर रहा, ए बी सी तीन शून्यतर वास्तविक संख्याएं हैं तथा ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो दिया है। देख लीजिए यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी जीरो दिया है, तो पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर माइनस ए सी पूछा है, या आप लोग का ऑप्शन है। चले चले देखते हैं, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो दिया है, इसमें मान वैल्यू फुट करेंगे तो ए का मान लेते हैं वन, बी के भी वन फुट कर लेंगे और सी के माइनस टू फुट कर लेंगे, सी को माइनस टू फुट कर लेंगे, तो देख लीजिए जीरो हो जाएगा। वन प्लस वन दो और दो दो कट जाएगा, देखिए वन प्लस वन, यहाँ प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, ध्यान से हो गया। देख लीजिए दो माइनस दो जीरो बराबर जीरो, एल एच एस आर एच एस बराबर हो गया, तो यानी कि हम फुट कर सकते हैं एक ए के बी के वन और सी के माइनस टू, तो यहाँ पर कर लेंगे फुट कर लेंगे, तो एक का स्क्वायर एक होगा प्लस एक का स्क्वायर एक होगा प्लस सी का मान माइनस टू है। देख लीजिए तो माइनस टू के स्क्वायर अगर वर्ग मतलब के रहा कि आप सम संख्या तो प्लस में होता है, तो दो दूनी चार हो जाएगा। नीचे में देखिए बी स्क्वायर, बी के मान कितना मान है, एक मान है, तो एक का स्क्वायर एक माइनस ए सी है, तो एक के मान भी वन नहीं होगा, वन गो या सी के माइनस टू है, तो यहाँ से हम कर लेंगे चार दो छः, छः बटा यहाँ से गुना कर लेंगे। देख लीजिए गुना कर लेंगे तो वन माइनस टू गुने माइनस टू माइनस माइनस प्लस, तो हम कह सकते हैं वन प्लस दो हो जाएगा छः बाई तीन हो जाएगा, तीन दूनी छः यानी कि दो हमारा ऑप्शन नंबर। देखिए सेम क्वेश्चन है, वैसे ही है ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो दिया, तो इसको हम वैसे कह सकते हैं ए के मान वन रख लेंगे, ए के मान वन हो जाएगा, बी के मान भी वन होगा और सी के मान हो जाएगा माइनस टू, यहाँ पर फुट कर लेंगे तो ऊपर ऊपर पहले निकालें तो छः आया था ऊपर का वैल्यू, यहाँ पर भी वैसे ही सेम हो जाएगा। एक का स्क्वायर देखिए एक मान एक है, एक का स्क्वायर एक माइनस यहाँ पर बी, बी देखिए एक मान है सी के माइनस टू, तो गुने हो जाएगा माइनस टू, तो यहाँ पर भी आंसर दो ही होगा छः बाई देखिए माइनस में प्लस और दो एक तीन, तीन दूनी छः हमारा ऑप्शन नंबर सी दो। देखिए क्वेश्चन नंबर तीन है ए प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है जीरो, तो पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक तो इसको तो पहले तो बता दिए हैं ए के मान एक मानना है, बी के मान भी एक और सी के मान माइनस टू, यह देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस पर के ए प्लस बी प्लस सी निकाल लिया तो छः आता है, और नीचे में सी का स्क्वायर था सी माइनस टू, तो माइनस टू के होल स्क्वायर चार हो जाएगा, काके स्क्वायर से सम संख्या है तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, माइनस एक गुने एक एक होगा, तो यहाँ से कह सकते हैं छः बाई तीन, चार में से एक या तीन, तीन दूनी छः हमारा दो आंसर ऑप्शन नंबर दो। देखिए क्वेश्चन नंबर चार एकदम सेम वैसे दिया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तो पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बटा में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो वैसे हम कर लेंगे, तो इसको हम पता है ए का मान हमें ए ले चलते हैं बी के वन और सी के फुट करते हैं माइनस टू, तो यहाँ पर फुट कर लेंगे सेम वैसे ही, देखिए यहाँ पर फुट कर लेंगे तो एक का स्क्वायर एक प्लस बी के भी एक मान है तो एक स्क्वायर एक प्लस सी के माइनस टू, तो माइनस टू के सम संख्या पावर देखिए तो हो जाएगा प्लस में तो दो दूनी चार, वैसे नीचे में वन माइनस वन ए के एक मान है बी के भी एक मान है होल स्क्वायर प्लस बी के देखिए एक माने थे एक हो जाएगा माइनस सी के माइनस टू माने थे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चाहे ऐसे कर लीजिए माइनस टू के होल स्क्वायर माने थे प्लस सी के माइनस टू और माइनस माइनस हो जाएगा ए के एक माने थे वन हो जाएगा तो होल स्क्वायर, तो ऊपर में जोड़ के छः आ जाएगा, नीचे में देखिए प्लस माइनस कट गया तो जीरो का स्क्वायर जीरो, कुछ ना लेना भी लिखेंगे चलेगा, चले लिख देते हैं यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस दो एक तीन या तीन का स्क्वायर नौ हो जाएगा प्लस, यहाँ देखिए माइनस एक माइनस दो माइनस तीन और होल स्क्वायर पावर सम संख्या तब तीन तीन नौ प्लस में नौ हो जाएगा, तो यहाँ से हम कह सकते हैं छः बाई अठारह छोतिया अठारह और वन बाई थ्री हमारा आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे दिया प्लस जीरो दिया है तो पूछा ये ठीक यहाँ पर फुट कर ला, हमको पता है कि ए के मान फुट करेंगे वन, बी के भी फुट करेंगे वन और सी के फुट करेंगे माइनस टू, तो यहाँ पर फुट कर लेंगे, देखिए वन बटा ए गुने वन प्लस वन बटा बी के मान वन और सी के माइनस टू,
प्लस वन बटा सी के माइनस टू गुने वन, यहाँ सब कर लेंगे वन बटा वन प्लस हो जाएगा। और देखिए वन बटा माइनस टू गुने वन, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस कर लेंगे दो प्लस, यहाँ पर देखिए प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा वन बटा टू गुने वन, तो वन हो जाएगा। ये माइनस कैसे आया जब देख लीजिए, वन गुने माइनस टू, यहाँ पर प्लस माइनस देखिए माइनस टू गुने वन, तो यहाँ पर भी प्लस के माइनस हो गया। चलते वैसे तो वन बटा वन वन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम ले लेंगे दो हो जाएगा, दो हो जाएगा। देखिए एलसीएम लेंगे तो भागा दें दो, तो दो से ऊपर से गुना हो जाता है, माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पर माइनस वन हो जाएगा। तो ऐसा हम कह सकते हैं माइनस एक माइनस एक माइनस टू और प्लस टू, तो कट के जीरो, जीरो बाय दो हमारा जीरो आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे थे बी सी, यहाँ पर एक्स बाई जेड, तो एक्स का मान एक मान लेंगे, वाई के मान एक मान लेंगे और जेड का मान माइनस टू मान लेंगे। तो कर लीजिए कैलकुलेट, एल एच एस और एच एस बराबर आ जाएगा, तो यहाँ पर फुट कर देंगे। देखिए एक्स का मान एक फुट करेंगे वन प्लस वाई का मान भी एक माने थे इन टू, यहाँ पर देखिए वाई का मान एक माने थे प्लस जेड का मान माइनस टू माने थे, तब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस से कर देते हैं माइनस टू माने थे इन टू जेड का मान माइनस टू माने थे और फिर एक्स का मान एक माने थे। ठीक देखिए एक एक दो गुने, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो एक 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 में से दो जाएगा तो बचेगा माइनस वन गुने, यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस, तो दो में से एक जाएगा तो यहाँ पर माइनस दो में से प्लस एक जाएगा तो बचेगा माइनस वन। देखिए दो गुने माइनस वन गुने माइनस वन, इसको एक पूरा मत समझिए, ये माइनस वन है। तो आगे चलेंगे तो दो गुने माइनस वन गुने माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, तो गुने प्लस वन एक और दो गुने वन दो हमारा। तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, बेल आइकन का ऑल जरूर कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी नए अंदाज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।